नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मेमोरी कार्ड के बारे में बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको इस वीडियो से लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज जो भी तरीका बताएंगे वो मेरा प्रैक्टिकल है, ये नहीं कि मतलब अपने मन से बना रहे हैं, वो कंडीशन नहीं है। प्रैक्टिकल किए हैं काफ़ी, उसके बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भी कुछ लाभ मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं लाते रहता हूं अपने चैनल पे। और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो से किसी को लाभ हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिलेगा मेमोरी कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि मेमोरी कार्ड कैसे यूज करें, क्या क्या सावधानी बरतें और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, ये इसके लिए आप निफिक्र रहिए, मैं ज़रूर आशा करता हूँ कि अच्छे से बताऊँगा मैं। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, मेरे पास इतने सारे मेमोरी कार्ड हैं। तो दोस्तों, मेमोरी कार्ड में बेसिकली बीमारी क्या आता है, होता है क्या है दोस्तों कि मतलब किसी किसी फ़ोन में जो है कंप्यूटर में शो करता है मेमोरी कार्ड, फ़ोन में शो नहीं करता है ना। उसके बाद दूसरा होता है क्या कि जो है फॉर्मेट नहीं लेता है, फॉर्मेट कंप्यूटर से हमारा फॉर्मेट ले भी नहीं रहा है। उसके बाद होता है क्या कि दोस्तों कंप्यूटर में शो करता है और फ़ोन में शो नहीं करता है। और भी रिलेटेड बहुत सारा बीमारी आता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ये सब में काम आएगा। तो दोस्तों देखिए, इतना सारा मेरे पास मेमोरी कार्ड है। तो सबसे पहले दोस्तों, कोई भी मेमोरी कार्ड अगर आपके पास रहे तो उसमें आपको देखना क्या है दोस्तों कि टूटे नहीं, मतलब कोई भी कहीं से मतलब क्रेक ना हो दोस्तों। एट फर्स्ट ये देखिए, अच्छा ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, तो ये आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। एट फर्स्ट ये आप देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों, बहुत सारा बीमारी में क्या, बहुत सारा फ़ोन में भी और भी क्या प्रॉब्लम आता है कि मेमोरी छोड़ता पकड़ता है। तो दोस्तों, दो तीन स्टेप, तीन या चार स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। देखिए दोस्तों, करना है सबसे पहला क्या कि जैसे कोई भी मेमोरी कार्ड है दोस्तों, ठीक है, तो उसको जो है क्या करना, देखिए दोस्तों इसमें जैसे कितना सारा गंदा है, ये आपका जो मेमोरी कार्ड में दोस्तों ये जो बैठता है दोस्तों, कितना सारा गंदा है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, गंदा के कारण जो बहुत सारा बीमारी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि एक भी पत्ती अगर फ़ोन से अटैच ना होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये जान लो आप। तो दोस्तों, सबसे पहले ये रबड़ है दोस्तों, रबड़ से पहले इसको अच्छा तरीके से साफ कर दे दोस्तों। इसमें तो दोस्तों लोग ब्लेड मार देते हैं, ब्लेड वगैरह ना मारिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छा से साफ कीजिए, काफ़ी अच्छा से कुछ देर से साफ करके दोस्तों, फिर उसके बाद कंप्यूटर में लगाइए दोस्तों, उसको फॉर्मेट मार के दोस्तों फिर से फॉर्मेट मारिए दोस्तों। तो इसको अगर साफ़ कर लिए, अगर इससे भी नहीं हो रहा है, इसको अच्छा साफ़ कर दिए फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे सुन। दूसरा तरीका दोस्तों, कंप्यूटर से तो अच्छा से फॉर्मेट मारने के लिए बोलिए, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर है जो भी पीसी वगैरह है उसे आप फॉर्मेट मारिए डिफ़ॉल्ट में भी जाके। उससे भी नहीं होता है दोस्तों तो कमांड वगैरह सब देखें, कमांड से भी होता है दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो कमांड कैसे दिया जाता है एग्जैक्ट, उससे आपका वीडियो बना देंगे, वो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो सब भी जो है, अगर आपके कोई शॉप में जाते हैं तो उसको बोलिए कि कमांड वगैरह देखिए आप मारिए, उससे भी नहीं होता है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है मतलब किसी भी, जैसे मेमोरी कार्ड है दोस्तों, किसी भी गैस या जो भी आपके पास साधन है दोस्तों, गैस में जो दोस्तों मेमोरी कार्ड जो है किसी मतलब चीज़ में पानी डाल के उसमें जो पूरा खौला दीजिए दोस्तों, मेमोरी कार्ड डाल के पूरा खौला दीजिए अच्छा से दोस्तों खौला दीजिए, ताकि पानी उबले काफ़ी। तो उससे भी कर सकते हैं दोस्तों, उससे भी ठीक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दोस्तों, अब लास्ट तरीका दोस्तों क्या है, तो देखिए एक तरह से ये रामबाण इलाज है दोस्तों, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इससे नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, दोस्तों देखिए ये राम मोमबत्ती दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, जैसे मैं कोई मेमोरी कार्ड है ना दोस्तों, जैसे कोई मेमोरी कार्ड है तो देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये मेमोरी कार्ड है और ये मोमबत्ती जल रहा है दोस्तों। करना क्या है दोस्तों, कोई चिमटा से पकड़ के दोस्तों, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों यहाँ पे हीट मारना है, इस जगह दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे हीट देना अच्छा से, और हीट देके दोस्तों डायरेक्ट आपको फॉर्मेट करना है, ये नहीं कि मतलब मेमोरी कार्ड में डाल दिए और तुरंत हीट किया हुआ तो एकदम नहीं डालना है दोस्तों, मतलब 10 मिनट छोड़ देंगे, 10 मिनट 15 मिनट उसके बाद डालेंगे, और वो भी कंप्यूटर में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों, इसको अच्छा से हीट करना है, अच्छा से, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा जला ही देना है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, एकदम हल्का से ये हीट करना है। ये नहीं कि मतलब पूरा, कुछ मिनट मिनट भी नहीं दोस्तों, सेकंड, सॉरी, कुछ सेकंड जो दोस्तों बस रखना है, हटाना, रखना है, हटाना है। अगर आपके पास होटगन है, जो मोबाइल रिपेयर में काम आता है दोस्तों, वो अगर होटगन है तो उससे जो है दोस्तों, आप जो है मतलब होटगन से आप जो है यहाँ पे जो है दोस्तों हीट मारिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हीट मारिएगा आपका इस जगह, तो आपका जो है हल्का सा हीट मार के फिर आप जो है कुछ देर के बाद फ़ोन में लगाइएगा तो आपका ठीक भी हो सकता है दोस्तों। दोस्तों मेमोरी कार्ड का सावधानी यही है दोस्तों कि मेमोरी कार्ड पे दोस्तों, जब भी मेमोरी कार्ड डाले दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि इस साइड जो है ना दोस्तों, देखिए इस साइड दोस्तों टेप मार दीजिए, मतलब इस इधर इधर से इधर से इधर ही, इसके इधर से मतलब, ठीक है दोस्तों, इधर तो क्योंकि टच होता है, पत्ती है, इसके उधर से दोस्तों इधर टेप मार दीजिए। होता है क्या दोस्तों कि इधर दोस्तों बहुत पतला पतला लाइन सा आता है। देखिए आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सारा लाइन आता है ना, थोड़ा गौर से देखिए दोस्तों। तो ये लाइन, एक भी लाइन अगर मतलब कट जाएगा दोस्तों तो मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, या आप टेप नहीं भी साड़ते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सावधानी से लगाइए, बार बार मेमोरी खोलिए वोलिए नहीं दोस्तों, ये नहीं कि मतलब बार बार खोल रहे हैं लगा रहे हैं, ठीक है, खोलिए लगाइए भी तो दोस्तों बहुत सेफ्टी से अच्छा से खोलिए, ये नहीं कि एकदम दाब ये उधर करके खोल रहे हैं, तो उस सब में थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिए। और दोस्तों मतलब लगभग 3-4-5 महीना में दोस्तों एक बार फॉर्मेट तो ज़रूर करवाइए मेमोरी कार्ड को, पूर्णतः फॉर्मेट करवाइए दोस्तों। तो यही सावधानी था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद, आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।